देश में आपातकाल लगने की नींव उस एक फैसले के बाद पड़ी जहां इंदिरा गांधी सीधे देश की न्यायपालिका से भिड़ चुकी थी। इसकी शुरुआत हुई साल 1971 में, जब इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रही थी। नतीजे आए और इंदिरा गांधी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राज नारायण को हरा दिया। अपनी हार के विरुद्ध राज नारायण हाईकोर्ट चले जाते हैं। वो कहते हैं कि इंदिरा ने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया है। 12 जून 1975 को इस मामले में जस्टिस जगमोहन सिन्हा का निर्णय आता है और इंदिरा इसमें दोषी पाई जाती है। उनका चुनाव रद्द कर दिया जाता है। 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लग जाती है। इस निर्णय के खिलाफ इंदिरा सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, जहां 24 जून 1975 को उनकी पीएम की कुर्सी तो बच जाती है, लेकिन अदालत सुनवाई पूरी होने तक उन्हें लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने से रोक देती है। 24 घंटे भी नहीं बीतते और 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर देती है। ये लोकतंत्र विरोधी निर्णय 21 महीनों तक संविधान को तानाशाही की बेड़ियों में जकड़े रहता है। आज उन्हीं की पार्टी जब देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर उंगली उठाती है, तो वो ये भूल जाती है कि इस लोकतंत्र पर सबसे घातक प्रहार उन्होंने ही किया था।